नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल में जो मैच होने वाला है किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। बात करेंगे इस वीडियो में दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन की और करेंगे मैच की प्रीव्यू। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी याद से दबा दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। तो पंजाब की टीम जो है फिलहाल अभी इस आईपीएल में थोड़े से अच्छे पोजीशन में है। और वहीं बात करें रॉयल्स की, तो रॉयल्स भी जो है ठीक ठाक पोजीशन में है। उनको जो है अभी मैचेस जितना स्टार्ट करना पड़ेगा अगर उनको क्वालिफाई करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है इस मैच के लिए। नंबर एक पे केएल राहुल, नंबर दो पे क्रिस गेल, नंबर तीन पे मयंक अग्रवाल, नंबर चार पे करुण नायर, नंबर पाँच पे मार्कस टॉइनिस या फिर एरॉन फिंच, नंबर छः पे युवराज सिंह, नंबर सात पे अश्विन, नंबर आठ पे टाई, नंबर नौ पे अक्षर पटेल, नंबर दस पे अंकित राजपूत और नंबर ग्यारह पे जो है मुजीब जादरान खेलते हुए नजर आएंगे। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में एक चेंजेस हो सकता है। अगर वो करना चाहे तो मार्कस टॉइनिस के बदले में एरॉन फिंच को मौका मिल सकता है फिर से, या तो फिर पंजाब की टीम लगभग से सेम होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं रॉयल्स की प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है इस मैच के लिए। नंबर एक पे डार्सी शॉट, नंबर दो पे अजिंक्य रहाणे, नंबर तीन पे संजू सैमसंग, नंबर चार पे बैन स्टोक्स, नंबर पाँच पे जॉस बटलर, नंबर छः पे राहुल त्रिपाठी, नंबर सात पे कृष्णप्पा गौतम, नंबर आठ पे आर्चर, नंबर नौ पे श्रेयस गोपाल, नंबर दस पे जयदेव उनादकट और नंबर ग्यारह पे जो है धवल कुलकर्णी खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ये जो टीम है रॉयल्स की मेरे हिसाब से लगभग से सेम होने वाली है, इनके अंदर कोई भी चेंजेस होने की संभावना नहीं है। दोस्तों अब करते हैं मैच की प्रीव्यू। ये जो मुकाबला होने वाला है पंजाब और रॉयल्स का, ये होने वाला है इंदौर के होलकर स्टेडियम में, जहाँ पे हम सभी ने देखा था ये जो पिच है बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छी पिच है। तो खास करके जो पंजाब के बैट्समैन फॉर्म में है केएल राहुल और क्रिस गेल, ये दोनों खिलाड़ियों से रॉयल्स की टीम को बच के रहना पड़ेगा। अगर गेल का बल्ला चल जाता है तो सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिता देंगे। वहीं बात करें रॉयल्स की, तो रॉयल्स लिए जो है जॉस बटलर, डार्सी शॉट और बैन स्टोक्स, ये तीन बैट्समैन को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा तब जाके ये टीम जीत सकती है, नहीं तो बहुत कम चांसेस है कि रॉयल्स जो है पंजाब को हरा पाए, वो भी इस बैटिंग पिच के ऊपर। दोस्तों आपके हिसाब से कौन सी टीम जीत सकती है, अपने विचार बताओ नीचे कमेंट करके। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।